जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं तो सीआरपीसी बेसिकली दो टाइप्स के बारे में बात करता है, पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, संज्ञेय अपराध को, वहीं सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, असंज्ञेय अपराध को। नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें, तो ऐसे सभी ऑफेंसेस जो कि सीरियस इन नेचर होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, रॉबरी, अननेचुरल ऑफेंसेस, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो आपको बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध से हमारा मतलब उन सभी अपराधों से होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि पुलिस आपको बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सके। अगेन ये क्वेश्चन आता है कि कैसे हम ये समझे कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो सीआरपीसी का शेड्यूल 1 ये क्लियर करता है कि विच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और विच ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन से ऑफेंस को हम कॉग्निजेबल मानेंगे, उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा और वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियोस को फ्री में अवेल करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नॉलेज दीप चैनल। थैंक यू।